आज इस वीडियो में हम इनर वाले कमीज की स्टिचिंग करने का तरीका बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये हमने कमीज की कटिंग करनी है और इसी के साइज का हमने ये इनर भी कट कर लिया है। ये इसी के साइज का है, तो इसको हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से, बिल्कुल इसके साथ एडजस्ट करके, और फिर हम इसकी इसका जो है कच्चा कर लेंगे। कच्चा हम सुई से भी कर सकते हैं और मशीन से भी कर सकते हैं। इसका हम इस तरह से करेंगे कच्चा, ये यहाँ से मोटी सिलाई से मशीन से कर सकते हैं, नहीं तो हम सुई से भी कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ इस तरह से, और ये बिल्कुल इसके साथ सही तरीके से रख के हम ये इधर से भी कच्चा कर देंगे, ये इधर से कच्चा करेंगे इधर से, और इसको पूरे को इस तरह से सील देंगे। और ये नीचे से जो है ये कपड़ा, इसको हम यहाँ से इस तरह से मोड़ देंगे। अब हमने कमीज के साथ ये इनर जो है जोड़ दिए हैं। इस तरह से यहाँ से सिलाई कर ली, यहाँ से कर ली, और ये यहाँ से भी इस तरह से इसको अटैच कर दिया, पूरे को इधर से भी कर दिया है। अब ये जो इनर है नीचे से हम इसको इस तरह से करके ये पूरे को मोड़ देंगे ऐसे, ताकि ये इसके धागे ना निकले। इसके बाद हम इस गले को करेंगे। इस गले को क्योंकि ये गला बना हुआ है, तो इसमें हम यहाँ से आधा आधा इंच इसके ये जो सिलाई है इसी के ऊपर ऊपर सिलाई करेंगे इस तरह से, और फिर इसको इस तरह से हम मोड़ देंगे और ये तुरपाई कर देंगे ताकि ये सही से लगे। अगर गला बना नहीं हुआ होता तो हम थोड़ा अलग तरीके से इसकी इनर की स्टिचिंग करते। इसी तरह से हम दूसरी साइड जो है बैक साइड उस पर भी इनर को सेट कर लेंगे। बाजू पर भी इनर को सेट कर लेंगे। अब हमने ये कमीज में जो है इसके दोनों जो पार्ट हैं में दोनों पे ये इनर अटैच कर दिया है इस तरह से, देखिए दोनों पे। और ये जो इसका नीचे का जो हिस्सा है इसमें ये जो है से यहां से ये जोड़ी आएगी, इसको भी हमने इस तरह से ये मोड़ दिया। अब हम ये जो है इसका कमीज का जो गला है इसके यहां से ये जो ये वाली सिलाई है ये, क्योंकि ये गला बना हुआ है तो ये जो सिलाई है इसके ऊपर ऊपर से हम इस तरह से सिलाई कर देंगे इसके साथ 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 साथ, यानी कि इसके बिल्कुल ऊपर ऊपर, ताकि ये सिलाई की सिलाई दिखे और ये मतलब हमारा ये जो इनर है ये भी अटैच हो जाए। इस तरह से हम ये बने हुए गले के अंदर इस इनर को अटैच कर सकते। अब हमने ये इसको इसके साथ इस तरह से सील लिया कि देखिए ये हमारा इस तरह से ये जो इनर है सील गया, ये इस तरह से है ये कपड़ा। अब हम इसको इस तरह से कट करेंगे, थोड़ा इसमें छोटे छोटे कट लगा देंगे इस तरह से। और अब हम इसे इस तरह से ऐसे करके और इसको इस तरह से मोड़ मोड़ के इस तरह से इसके साथ छत इस तरह से तुरपाई कर देंगे। तो ये हमारा गले की जो है ये इनर इसके साथ अटैच हो जाएगा और ये गला हमारा पहले से तैयार है। तो हमें इस तरह से इसकी तुरपाई करनी है बस। अब हम बाजू में भी इनर लगा लेते हैं। अब हमने ये बाजू में भी इस इनर को जोड़ लिया है कच्चा करके, और अब हमने इसको बाजू को आगे से मोड़ लिया है। अब हम इसकी सिलाई कर देंगे, जितनी हमें यहाँ से बाजू खुली चाहिए उस हिसाब से हम इसको निशान लगाएंगे इस तरह से, और इस तरह से इसकी सिलाई कर देंगे। और अब हम इस कुर्ती को उसी तरह से सिल लेंगे जिस तरह से सिंपल कुर्ती यानी कि बिना इनर वाली कुर्ती की सिलाई करते हैं। तो सिलाई जैसे कमीज की सिलाई का वीडियो मैंने
पहले भी डाला हुआ है इस चैनल पर, यदि आप देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। अब हमने ये कमीज की स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।